गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो लेके, जिसके अंदर भाई बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फाइट होने वाली है, लेकिन ये फ़ाइट ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। तो आज देखना, हम पोचिंग की जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखना कैसी फ़ाइट होती है और क्या होता है। देखते रहो और मज़े लो। अब भाई आप लोग इन रैंडम्स को देखो, मैं सारे मतलब रैंडम के साथ खेल रहा था ये मैच। तो चार नंबर देखो किधर जा रहा है, एक नंबर किधर जा रहा है। अब भाई मेरे साथ जा रहा था केवल तीन नंबर। तो भाई मतलब टीममेट्स की वजह से मैं हमेशा मरता हूँ, आप भी देखना। मतलब जितनी बार भी रैंडम के साथ खेलता हूँ ना, उतनी बार मैं उन्हीं की वजह से मरता हूँ। तो देखो आप क्या होता है। इधर उतर रहा था मैं, तो बंदे मेरे को दिखे तो मैंने यू टर्न ले लिया फिर से। और यहाँ पे देखना मेरे को स्कारेल मिलेगी, और फिर पेलते हैं बंदों को। ये एक नॉक और फिनिश ले लिया मैंने एक को मारते ही। अब पीछे चलेंगे आराम से। अब मैं यहाँ पे आया था, इतनी देर में पीछे एक बॉट मिलेगा मेरे को, तो ये नॉक किया बॉट को और अब करेंगे फिनिश। अब मेरी स्कारेल में एमओ बहुत कम हो चुकी थी, तो मैंने डीपी उठाई और मेरे को राइट से फायर आया, तो मैंने उसको भी नॉक किया। अब इसका किल चुराने की कोशिश की थी राइट से, लेकिन मैंने इसको फिनिश कर दिया। अब मेरे को एक और फायर आया इधर से, तो मेरे को बंदा दिखा, नॉक किया और ये फिनिश ले लिया इसको भी। अब मेरे यहाँ पे चार किल हो चुके थे, तो पहले पूरी लूट करते हैं आराम से थोड़ा, और फिर देखेंगे और बंदों को। अब मेरे को यहाँ से सामने एक बंदा दिखा, ये उसको नॉक तो कर दिया मैंने, लेकिन फिनिश नहीं ले पाया मैं, क्योंकि मेरा 6x तो जो था वो फुल पे था, जिसके कारण स्प्रे अच्छे से नहीं लग पाए उसके। अगर ये यहाँ पे 3x पे होता तो मतलब नॉक भी हो जाता, वो फिनिश भी हो जाता। अब सामने ये बंदा कूदा नीचे, जो मेरे टीममेट के ऊपर फायर कर रहा था, तो ये रुकेगा यहाँ पे। भाई साहब इसको पीछे से सरप्राइज दे दिया, नॉक भी किया और फिर फिनिश भी कर दिया। अब इतने में राइट से मेरे पे फायर आया, उसको देखना, उसको मारेंगे। ये बॉट था ये, इसको भी नॉक फिनिश लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे टीपीपी ले रहा था, मैंने सोचा यहाँ पे और बंदे मिलेंगे मेरे को, लेकिन सामने कोई नहीं था। मतलब कई देर तक मैंने यहाँ पे देखा, वेट किया, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। अब भाई यहाँ पे मेरे पास में दो बंदे आ गए थे, तो मैं यहाँ पे प्रॉन हो रखा था। इतनी देर में भाई साहब इसको देखना, नशेड़ी, ये देखो यहाँ पे टीपीपी ली इसने, फिर यहाँ पे आया। मैंने जानबूझ के फायर नहीं किया मैंने इस पर,
मैं सोच रहा था देखते हैं क्या करते हैं, इसको अपन दिखाई देते हैं या फिर नहीं देते, लेकिन भाई साहब इसको मैंने नहीं दिखाई दिया। लास्ट में देखना फिर ये मेरे पास आएगा और फिर मैं इसको मारूंगा। तो ये मेरा लास्ट किल होगा ये बंदा, देखना लास्ट जो इस मैच का लास्ट किल है मेरा, ये बंद इसी बंदे से मिला मेरे को, और फिर मेरी भी पेटी बन जाएगी यहाँ पे। ये मेरे पास आते ही मैंने इसको नॉक फिनिश दे दिया। अब यहाँ पे सामने दो बंदे थे, तो पहले मैंने सोचा सीधा रश करते हैं, फिर मैंने सोचा नहीं यार दो बंदे हैं, दो बंदों पे घुसेंगे तो अपनी पेटी बनेगी, तो मैं पीछे गया थोड़ा और फिर मैं स्मोक भी करूँगा। लेकिन देखना भाई क्या किस्मत थी, और मेरे टीममेट तो भाई मतलब दो तो ऑफलाइन हो चुके थे, मर पेटी बन गई थी उनकी, चौथा बंदा पता नहीं कहाँ डोल रहा था, इस वजह से भाई देखना कोई रिवाइव भी नहीं दे पाया, तो मैं सामने ही चला जाऊँगा उसके। ये भाई कर दिया उसने नॉक अपने को, और फिनिश भी ले लेगा अभी। तो इसी के साथ 7 किल के साथ हो चुका है ये मैच पूरा। आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब कुछ कर दो भाई दबा के। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।